सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं डोरेमोन मूवी द बर्थ ऑफ जापान का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और ये है पार्ट 3। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे भी चेक कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा कि नोबिता और उसके दोस्तों को मिलता है एक कुकुरे नाम का लड़का, जो कि टाइम एंड स्पेस डिस्टॉर्शन के कारण फ्यूचर में आ जाता है, और वो बताता है कि उसके पूरे गांव वालों को एक गीगा ज़ॉम्बी नाम के एक शख्स ने कैद कर रखा है। तो सब लोग उसकी मदद करने का सोचते हैं और वो लोग निकल चलते हैं उसके होम टाउन चाइना में। तो जब वो उसके गाँव में पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि सब कुछ जला हुआ है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि आज की रात नहीं बिताएंगे। अब आगे सो गाइस, उसके बाद सुबह जाती है और जो डोरेमोन होता है वो अपना मिसिंग पर्सन स्टिक से कुकुरे के फैमिली को ढूंढने के लिए यूज़ करता है, और उन्हें पता चलता है वो नॉर्थ वेस्ट में। तो वो लोग वहाँ निकलने वाले होते हैं कि डोरेमोन नोबिता से कहता है कि हमें पेगा ग्रीस और ड्राको को यहीं छोड़ना होगा। तो वो लोग उन्हें वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें मिलता है कैंप साइट, और कैंप साइट पे उन्हें पता चलता है कि वो लोग ऐसे ऐसे कैंप साइट हर दिन करेंगे, तो उन्हें बस अभी और 2 कैंप साइट ढूंढने थे। तो गाइस, उन्हें बचे हुए 2 कैंप साइट भी मिल चुके हैं, तो अब वो सीधा उनके पास जाएंगे। उसके बाद जो कि हमको कुकुरे के गांव वाले दिखाए जाते हैं, जिसमें उनका जो हेड होता है वो चलते चलते थक चुका होता है क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा होता है। तो ये जो कुकुरे की मॉम होती है वो रिक्वेस्ट कर, फिर भी वो जो कि नहीं मानता, तो इसलिए उसके जो भी गांव वाले होते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना शुरू करते रहते हैं कुछ इस तरह, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो कि इस के अंदर पता नहीं कोई है, तो ये पूछ रहे कि आपको कोई मेरे लिए उसको, मैं तो ये कहता है उन सबको मार दो जो कि टोकियामी कासे आने के बीच में आते हैं। तो अब ये जो कि है इनका लीडर, वो सबको मारने के लिए आ ही रहा है कि तभी ये लाइटनिंग आई है जो कि डोरेमोन ने अपने स्पीयर से डाला है। तो ये कहता है कि मैं हूँ स्पिरिट किंग डोरा ज़ॉम्बी, इसलिए तुम सबको छोड़ दो वरना मैं लाइटनिंग के स्पिरिट से कहूँगा कि तुम सबको जला कर रख दे। तो गाइस, ये जो डोरेमोन कर रहा होता है ये शिज़ुका जियान सुनियो और नोबिता का आइडिया होता है, तो वो लोग भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर वो सारे लोग भाग जाते हैं और वो लोग जो कि है खुशी मनाने लग जाते हैं। उसके बाद उस बॉक्स जैसी चीज़ में से ये निकलता है और ये अपना नाम बताता है सुचिडामा, जो कि गीगा ज़ॉम्बी का एक सोल्जर है। उसके बाद होता है ये, उसके बाद जो कि है डोरेमोन उस सुचिडामा का एक पीस अपने साथ अपने घर ले जाता है। उसके बाद जो कि है डोरेमोन उन सबको उनके पुराने गांव में ले जाता है, और जैसे ही वो लोग इसके यहाँ पर आते हैं तभी वो सुचिडामा अपने आप को वापस से रिकवर करने लग जाता है। उसके बाद हमें सब डोरेमोन दिखाया जाता है और उसके दोस्त जो कि पेगा ग्रीस और ड्रैको को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो उन्हें नहीं मिलते। तो नोबिता बहुत उदास हो जाता है। फिर डोरेमोन कहते हैं मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन हमें सबको जापान ले जाना होगा सेफ जगह पे। तो वो लोग सबको जापान ले आते हैं और सब लोग वहाँ पे अपना विलेज वापस से बनाना शुरू कर देते हैं। और जियान और सुनियो इनकी मेहनत देख के डोरेमोन के पास जाते हैं और उन्हें उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे वो गैजेट्स दो जो तुमने हमें शुरू को दिए थे। तो डोरेमोन उन्हें मना कर देता है और वो कहता है कि अगर मैंने उन्हें अभी के गैजेट दिया तो हिस्ट्री में गड़बड़ हो जाएगी और ये लोग अपना जो हार्डवर्क होगा उसे छोड़ देंगे। उसके बाद चूँकि ये शाम हो जाती है और हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो कि उदास बैठा होता है क्योंकि उसके पेट्स घूम गए हैं। तो तभी वहाँ पे कुकुरे आता है
और उसे अपनी एक पेट की स्टोरी सुनाता है जो कि मैं आपको नहीं बता पाऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उनकी स्टोरी सुनने के बाद वो कहता है जल्दी चलो विलेज का काम हो ही गया है। उसके बाद सब अपने घर आते हैं और नोबिता कहते हैं मैं बहुत थक चुका हूँ। उसके बाद हमें सुची डामा दिखाए जाते हैं जो कि अपने बॉस यानी कि गीगा गंभीर से बात कर रहे होते हैं और ये जो सुची डामा होता है ये कहता है कि वो डोरो जम्बी काफ़ी ज़्यादा ताकत है। तो गीगा जम्बी गुस्सा हो जाता है और उस पर एक पावर रे जैसे फेंकता है जिसके कारण वो सुची डामा एकदम ही पिघल जाता है। उसके बाद गीगा जम्बी अपने बच्चे सुची डामा से कहता है कि उन सबको ले आओ और साथ ही साथ उस डोरो जम्बी को भी लेकर आओ, मुझे उसकी ताकत देखनी है। उसके बाद हमें नोबिता जियान सुनी और शिजुका दिखाए जाते हैं जो कि अपने स्कूल से वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। तो तभी नोबिता अपने घर आता है और वो देखता है कि डोरेमोन कुछ तो रिसर्च कर रहा है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो डोरेमोन जो कि है कहता है ये टुकड़ा सूची डालने का है और वो कहता है इसे ध्यान से देखना। और तभी वो अपने पॉकेट से हथौड़ा निकालता है और उस टुकड़े को तोड़ देता है। तो नोबिता कहता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे लग गई। तो डोरेमोन कहता है कि ये पीस वापस से अपने आप को जोड़ रहा है, मुझे पता नहीं कैसे। तो उसने डोरेमोन कहता है कि मैंने डोरेमी से इसके बारे में पूछा है, अभी उसका कॉल आता ही होगा। कि तभी डोरेमी का कॉल आता है और जो डोरेमी कहती है कि ये एक ऐसे मटेरियल से बना है जो अपने आप को वापस से रिकवर कर लेता है। तो तभी ये सुन के सब लोग वापस से प्री हिस्टोरिक पीरियड में चले जाते हैं और जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ जला हुआ है। तो नोबिता को कुकुरे की विसल मिलती है जो कि ज़मीन पर पड़ी होती है। तो तभी वहाँ पे गीगा जोम्बी का एक होलोग्रामिक मैसेज आता है और वो कहता है कि अगर तुम लोग सब को वापस से सही सलामत चाहते हो तो मुझे आके टोकियामी का सामने मिलो। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाके वो जगह को चेक करेंगे जहाँ पे उन्होंने सुची डामा को हराया था। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो नोबिता कहता है हमें जाके सबको बचाना होगा, हम सब टोकियामी कासल में जाएंगे। तो सब लोग कहते हैं ठीक है और वो लोग अपना स्पीयर प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद वो लोग जो कि होते हैं चाइना की ओर निकल पड़ते हैं। तो लोग पहले तो रेगिस्तान से गुजरते हैं उसके बाद बर्फीले पहाड़ों से। तो तब सबको ठंडी बढ़ने लग जाती है और वो डोरेमोन से पूछते हैं ऐसा क्यों। तो डोरेमोन कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी -50 डिग्री है जो कि सूट भी नहीं सह सकता। तो उन बैम्बू कॉपी जो कि ख़राब हो जाता है और वो आके नीचे बैठ जाते हैं। तो लोग कहते हैं आखिर करें क्या। तो डोरेमोन अपना रेनोमोटो कार इमिटेशन निकालता है तो सब लोग उसके मदद से भागने लग जाते हैं। उसके बाद जो कि वो जो ट्रेन थी वो भी खराब हो गई थी। तो ये लोग चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचते हैं और वहां पे आराम करने लगे। तो सब लोग कहते हैं अच्छा हुआ सब लोग यहाँ पे है। तभी वो लोग ध्यान देते हैं कि नोबिता वहाँ पे नहीं है। तो डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है जिसका नाम है रेस्क्यू बॉटल। तो वो उन्हें उसको बचाने के लिए छोड़ देता है। तो जब हमें नोबिता दिखाया जाता है जो कि अपने डैड अपनी मॉम और अपने घर से दूर भागने के डिसीजन के ऊपर पछता रहा होता है। उसके बाद हमें रेस्क्यू बॉटल दिखाई जाती है जो कि नोबिता को बचाने के लिए आती है। लेकिन वहाँ पे सुची डामा आ जाता है और वो सुची डामा उस बॉटल को पूरी तरीके से तोड़ देता है। तो तभी हमें नोबिता के दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि चिंता कर रहे होते हैं कि आखिर वो है क्या। तो सुनियो चलता जाता है और वो गिर जाता है और उन्हें पता चलता है कि उस गुफा के अंदर भी सीढ़ियाँ हैं। ये शायद उन लोगों का इत्तेफाक नहीं होता, ये एक्चुअली गीगा जोम्बी का एक प्लान होता है। उसके बाद हमें जो कि नोबिता दिखाया जाता है जो कि होश में रहने के लिए कुकुरी की सीटी बजा रहा होता है पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पे आते हैं ये जिनके शैडोज आप लोग देख सकते हो। अब आप लोग पहचान ही गए होंगे ये है कौन। जी हाँ गाइस, ये और कोई नहीं अब नोबिता के अपने खुद के पेट्स ग्रीस पेगा और ट्रैको है। उसके बाद जो कि हमें जियान सुनियो और डोरेमोन और शिजुका दिखाए जाते हैं जो कि सीढ़ियाँ चल कर थक चुके होते हैं। और जब लोग एंड पर पहुँचते हैं तब लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा अंडरग्राउंड पीस टाइप है वो भी ओल्ड एज का। तो तभी उन्हें कुकुरे दिखता है जो कि वहाँ पर काम कर रहा है। तो ये देखते जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको बचाने के लिए नीचे कूद पड़ता है। तो तभी डोरेमोन जो कि अपना गैजेट निकालता है जिसका नाम है अल्ट्रा स्टॉप वॉच और वो पूरे समय को रुका देता है। और तभी वो सबसे कहता है
कि शिजुका जियान और सुनियो तुम लोग यहाँ रह के सबको आज़ाद करो, मैं तब तक पासिंग हुक से जाकर देखता हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तो डोरेमोन जो कि अपना गैजेट निकालता है और अपना गैजेट वहाँ के एक सरफेस पे लगाता है और वहाँ से चला जाता है। तो जब डोरेमोन पासिंग हुक से बाहर निकलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह काफ़ी हाईटेक होती है, वहाँ पर काफ़ी सारे मशीन्स होते हैं। तो तभी वहाँ पर गीगाजॉन भी आ जाता है और डोरेमोन जो कि होता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम आखिर हिले कैसे, मैंने तो समय को रोक दिया था। तो गीगाजॉन भी कहता है मैंने समय को वापस से पहले जैसा कर दिया। तो डोरेमोन कहता है अब मैं समझा, तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम फ्यूचर से आए हुए एक क्रिमिनल हो। तो वो कहता है मैं सिर्फ क्रिमिनल नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ। तो तभी डोरेमोन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम समय को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, टाइम पेट्रोल आके तुम्हें पकड़ लेगा। तो वो कहता है मैंने इसलिए तो इतने अंडरग्राउंड के अंदर अपना बेस बनाया है। तो तभी वो अपना गैजेट दिखाता है जो कि है टाइम पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। तो वो कहता है मैं टाइम पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसके बाद कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा इस समय में और मैं यहाँ पर राज करूँगा। तो डोरेमोन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो गीगाजॉन भी कहता है मैं कर सकता हूँ तो राजॉन भी। तो तभी डोरेमोन कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो डोरेमोन और गीगाजॉन के बीच में फाइट हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा डोरेमोन हार चुका है। तो डोरेमोन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो गीगाजॉन भी कहता है 22nd सेंचुरी के गैजेट बहुत पुराने हो चुके हैं क्योंकि मैं हूँ 23rd सेंचुरी से। तो डोरेमोन कहता है मैं एक सेंचुरी से हार गया। उसके बाद जो है कैमरा एंगल चेंज हो जाता है और हमें नोबिता को दिखाया जाता है जिसे पेगा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जैसे ही नोबिता होश में आता है और वो देखता है कि पेगा ग्रीस और ड्रैको ने उसकी जान बची और वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद नोबिता सबको ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी ग्रीस को कुछ दिखता है। तो नोबिता पूछता है क्या तुमने कुछ देखा। तभी ग्रीस उसको नोबिता का अपना खुद का जीरो मार्कशीट पेपर दिखाता है। तो नोबिता कहता है कि सब लोग यहीं कहीं होंगे। तो तभी हमें दिखाया जाता है गीगाजॉम्बी होता है वो, उसने सबको अपने पेट का खाना बना कर टंगाया होता है। तो सब लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने पेट को छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है ये आप लोग खुद देख लीजिए, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा। तो गाइस जिसके आप लोगों ने देखा आ चुका है हमारा हीरो नोबिता। तो नोबिता को देख के सब लोग खुश हो जाते हैं और तभी नोबिता सबको यानी कि जो भी प्रीहिस्टोरिक के लोग थे उन सबको वापस से बाहर निकलने के लिए कहता है। तो सब देख के गीगाजॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने जितने भी सर्वेंट्स थे उन सबको कहता है सब पर हमला करो और अब आगे। के बाद गीगाजॉन भी अपने सुजुडाबा को कहता है कि सब पर हमला करो। तो डोरेमोन जो कि निकलता है अपना स्टिक गन ताकि वो सबको हरा सके। उसके बाद जो कि गीगाजॉन भी भागने लग जाता है और वो अपने सीक्रेट बेस के अंदर चला जाता है। जानिए सब।
फंस जाता है, इसलिए वो टाइम एंड स्पेस डिस्ट्रक्शन मशीन ऑन कर देता है। कहाँ मिलता है ये मौका सभी को, आज धरती का मैं रख लूं मान, कोई वार करे कोई ठार करे दिल सच्चा दे फिक्र क्यों को। तो फिर डोरेमोन कहता है कि मुझे लगा ही था ये भी उसी मटेरियल से बना है जिस मटेरियल से सुचिडामा बना था। तो नोबिता के दिमाग में कार्य आता है और वो कहता है क्यों ना हमने इन पर डनबुरा पाउडर इस्तेमाल किया। उसके बाद जो कि वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो डोरेमोन जी का दम से कहता है कि तुम ये सब रोक दो वरना ये दुनिया को कहता है कि अगर वो पावर सप्लाई उस एंटीना को तोड़कर रोक दिया जाए तो सब रुक जाएगा। तो कुरे उसे रोकने के लिए चला जाता है। तो गीगा ज़ॉम्बी बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहता है रुक जाओ, और वो अपनी स्ट्राइक से वही पावर इस्तेमाल करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे जियान और सुनी आते हैं और वो उसे यूज़ करने नहीं देते हैं। तो उसके बाद जो कि गाइस डोरेमोन गीगा ज़ॉम्बी से कहता है कि मैं हमारे बीच में भले एक सेंचुरी का फ़र्क है फिर भी मैं तुमसे नहीं हारूंगा। तो गीगा ज़ॉम्बी कहता है मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद डोरेमोन जो कि अपना स्पीयर गीगा ज़ॉम्बी के पास फेंकता है, उसके आगे आप लोग खुद देख लीजिए। तो गाइस मैं बता दूँ स्पीयर क्यों नहीं टूटा, क्योंकि स्पीयर मशीन से बना हुआ नहीं, वो कुकुरे का रियल स्टोन स्पीयर था इसलिए वो नहीं टूटा। उसके बाद जो कि गाइस वहाँ पे टाइम पेट्रोल आ जाती है और उसे डोराने लाती है। तो टाइम पेट्रोल गीगा ज़ॉम्बी को पकड़ के वहाँ से फ्यूचर में ले जाते हैं। तो गाइस उसके बाद सब लोग बाहर आने के बाद नोबिता कुकुरे को उसके विसल वापस दे रहा होता है कि कुकुरे कहता है कि तुम इसे अपने पास रखो हमारी दोस्ती की निशानी के तरह। तो नोबिता उससे प्रॉमिस करता है ठीक है। तो तभी टाइम पेट्रोल वाली एक ऑफिसर नोबिता से पूछती है कि तुम ये सारे पेट्स यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, इसे हमें फ्यूचर ले जाना होगा। तो नोबिता नहीं कहता है, तो सब उसके दोस्त उसको कन्विंस करते हैं। तो नोबिता जो कि रहता है उस ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे सारे पेट्स का ख्याल रखना। तो वो ऑफिसर उसे कहती है तुम फिक्र मत करो हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, ऐसे कहकर टाइम पेट्रोल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चूँकि हमें फ्यूचर दिखाया जाता है और नोबिता का घर जहाँ पे नोबिता के डैड उस हैमस्टर को वापस अपने बॉस के पास देने चले जाते हैं। उसके बाद जो कि होता है नोबिता की मॉम को नोबिता की बहुत फिक्र हो रही होती है, तो उसके रूम में चली जाती है और वो देखती है कि नोबिता पढ़ाई करते करते ही सो गया। तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो डोरेमोन से पूछती है कि क्या इसका घर से दूर भागना हो गया। तो डोरेमोन कहता है हाँ हो गया। और यहीं पे होती है हमारी मूवी क्या दी एंड।